पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेहुल और टिम पे बिग डैडी और जयकाल की आर्मी फायरिंग करने लगती है। मेहुल, टिम और डेविड खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चारों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। डेविड पीछे की खिड़की से भाग जाता है। मेहुल और टिम भी खिड़की से निकलकर भागने लगते हैं। तभी एक गोली सीधा आकर डेविड की वाइफ को छूके निकल जाती है। डेविड की वाइफ नीचे गिर जाती है। मेहुल ये सब देख लेता है। मेहुल अपनी जान पर खेलकर वापस डेविड की वाइफ को बचाने के लिए अंदर चले जाता है। टिम मेहुल को रोकने की कोशिश करता है। Stop Mehul, there is danger. Come back. I said come back. लेकिन मेहुल किसी की नहीं सुनता और फायरिंग के बीच में डेविड की वाइफ के पास पहुंच जाता है। बुलेट्स मेहुल के आजू बाजू से निकल रही थी। अब इसे कैसे लेके जाओ? अगर खड़े होकर निकल गया तो गोली लग सकती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई आइडिया दे सकते हैं जिससे मेहुल डेविड की वाइफ को सही सलामत यहाँ से बचा के लेके जा सकता है? सोचिए। मेहुल के बगल में दो स्केटबोर्ड रखे हुए हैं। मेहुल दोनों स्केटबोर्ड को आपस में बांध देता है और डेविड की वाइफ को उसके ऊपर रख के जोरों से धक्का देता है। स्केटबोर्ड गेट से निकलते हुए सीधा बाहर चले जाती है। वहां टिम बोर्ड को पकड़ लेता है और डेविड की वाइफ को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब तक डेविड भी वहां पहुंच जाता है। वो मेहुल को अपनी वाइफ को बचाते देख लेता है। तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है मेहुल, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डेविड तुरंत मेहुल को घर के बाहर बने स्विमिंग पूल में लेके जाता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और फायरिंग करने लगता है। लेट्स गो मेहुल, इतना कहते ही डेविड स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा देता है। खुद की जान बचाने के लिए मेहुल भी स्विमिंग पूल में कूद जाता है, लेकिन तभी जयकाल का एक सोल्जर स्विमिंग पूल में हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और जोरदार ब्लास्ट होता है। टिम पेड़ के पीछे से सब देख रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि डेविड और मेहुल, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से मेहुल मशीन गन लेके बाहर आता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल धनाधन फायरिंग किए जा रहा था। वो अकेले ही जयकाल आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है। तभी अचानक वहां पे जयकाल का राइट हैंड सूर्य अपने हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाता है। मेरा हेलीकॉप्टर मेहुल के सामने ले चलो। सूर्य का पायलट हेलीकॉप्टर को मेहुल के सामने ले आता है और सूर्य मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। एक गोली मेहुल के पैर में लग जाती है और मेहुल स्विमिंग पूल में गिर जाता है। मेहुल के पैर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। पूरा स्विमिंग पूल लाल हो जाता है। मेहुल, मैं तुझे मार कर तेरी बॉडी ऑस्ट्रेलिया के जंगल में फेंक दूंगा। सूर्य अपनी गन से मेहुल को टारगेट करता है, लेकिन तभी अचानक किसी सुपर हीरो की तरह डेविड पानी से बाहर आता है और सूर्य के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए सूर्य एक बैग लेकर नीचे कूद जाता है। नीचे आते ही सूर्य एक बटन दबा देता है और उसका बैग पैराशूट बन जाता है। डेविड दोबारा से सूर्य के पैराशूट को टारगेट करता है और फायर कर देता है। डेविड की बुलेट सीधा जाके पैराशूट में लगती है और पैराशूट फट जाता है। सूर्य तेजी से नीचे गिरने लगता है। सूर्य का पैराशूट जाके एक पेड़ में लटक जाता है और इसके वजह से सूर्य बच जाता है। सूर्य तुरंत अपने जूते से चाकू निकालता है और पैराशूट की रस्सी काटकर नीचे आ जाता है। डेविड फिर एक बार अपनी गन से फायर करता है, लेकिन सूर्य डाइव लगा देता है और बच जाता है। डेविड एक के बाद एक सूर्य के ऊपर फायरिंग करते जा रहा था, लेकिन सूर्य किसी तरह बचते जा रहा था। भागते भागते सूर्य एक कॉल करता है। नलायको, जल्दी से हेलीकॉप्टर मेरे पास लाओ। जयकाल आर्मी के बाकी दो हेलीकॉप्टर तुरंत सूर्य के पास आ जाते हैं। ऊपर से जयकाल आर्मी का एक आदमी रस्सी फेंकता है और सूर्य उसे पकड़ लेता है। जयकाल की आर्मी वहां से भागने लगती है। टिम पेड़ के पीछे से हेलीकॉप्टर को टारगेट करता है और फायर कर देता है। गोली सीधे जाके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी में लगती है और हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर जयकाल के राइट हैंड सूर्य को लेकर भाग जाता है। टिम तुरंत मेहुल के पास जाता है। मेहुल के पैर में बुलेट लगी थी और खून पानी की तरह बह रहा था। आसपास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। सर, मेरी वाइफ। तब टिम डेविड को बताता है कि उसने डेविड की वाइफ के घाव पर अपना रुमाल बांध दिया है। डेविड की वाइफ खतरे से बाहर है। असली खतरा तो मेहुल के सर पे मंडरा रहा है। अगर जल्दी से जल्दी मेहुल की बॉडी से बुलेट नहीं निकाली गई तो मेहुल की जान जा सकती है। I will save Mehul anyhow. टिम तुरंत मेहुल को सपोर्ट देकर डेविड के बेडरूम में लेके जाता है। तब तक डेविड अपनी वाइफ को लेकर वहां जाता है। टिम डेविड से एक चाकू और मोमबत्ती लाने के लिए कहता है। डेविड तुरंत अपने किचन में जाता है। किचन में तीन चाकू रखे हुए थे, तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा चाकू डेविड लेके आएगा? सोचिए। पहला चाकू तो काफी चौड़ा है और जब ये मेहुल के पैर में जाएगा तो ज्यादा स्पेस लेगा, इसलिए मेहुल को ज्यादा पेन होगा।
दूसरे चाकू में जंग लगी हुई है, मतलब ये तो बेकार है। तीसरा चाकू काफी पतला है, इसलिए मेहुल के पैर से बुलेट निकालने के लिए ये सही रहेगा। डेविड चाकू और मोमबत्ती ले आता है। धीरे धीरे मेहुल की आंखें बंद हो रही थी। मेहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ऑस्ट्रेलिया का डिटेक्टिव अपने जेब से क्लोरोफॉर्म की बॉटल निकालता है और मेहुल को बेहोश कर देता है। टिम मोमबत्ती जलाकर चाकू गर्म करता है और मेहुल के पैर से गोली निकालने लगता है। टिम मेहुल के पैर से गोली निकाल देता है और मेहुल के पैर को गर्म पानी से धोकर एक पट्टी बांध देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल की आंखें खुलती है तो मेहुल सिडनी के एक हॉस्पिटल में था। मैं यहाँ कैसे आ गया? तब मेहुल के बगल में खड़ी नर्स कहती है, Don't worry, sir. You are safe here. मेहुल एक गिलास जूस पीता है और फिर उसे अचानक डॉक्टर संजना और आलिया की याद आने लगती है। मेहुल तुरंत आलिया को वीडियो कॉल करता है। आलिया उस समय अपना डिनर कर रही थी। मेहुल का कॉल आते ही आलिया खुश हो जाती है। अरे वाह, मेहुल सर का कॉल। आलिया वीडियो कॉल रिसीव करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेहुल हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके पैर में पट्टी लगी हुई थी। क्या हुआ सर आपको? कहीं बिग डैडी ने? आप मुझे बताइए सर, मैं उस बिग डैडी का मुंह तोड़ दूंगी। आलिया बिना कुछ रुके गुस्से में बोले जा रही थी। आलिया अब थोड़ा मेरी भी सुन लो। इसके बाद मेहुल आलिया को पूरी कहानी बताता है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन सर वो आपके पीछे रखी घड़ी गलत टाइम क्यों बता रही है? नहीं आलिया, वो घड़ी बिल्कुल सही टाइम बता रही है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल और आलिया दोनों में से किसकी घड़ी सही टाइम बता रही है? सोचिए सोचिए। मेहुल और आलिया दोनों की वॉच अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि जब इंडिया में रात के 10 बजते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रात के 2:30 हो जाते हैं, मतलब 4.5 घंटे का डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया अपन से आगे है। आलिया सब मेस्ड अप हो रखा है, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और बैंकॉक का डिटेक्टिव भी खतरे में है, मुझे किसी तरह से उसे भी बचाना होगा। मेहुल आलिया से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा आलिया बाय, कोई मेरे कमरे में आ रहा है। और मेहुल फोन कट कर देता है। मेहुल का चेकअप करने के लिए एक डॉक्टर आया हुआ था। How are you, sir? I am fine, doctor. वो डॉक्टर एक रेड कलर का इंजेक्शन तैयार करने लगता है। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि इंजेक्शन किस लिए लगाया जा रहा है। मेहुल उस डॉक्टर से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर मेहुल को बोलता है इंजेक्शन से पावर आ जाएगी। मेहुल को डाउट हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर मेहुल को इंजेक्शन लगाने का ट्राई करता है, मेहुल अपने दूसरे पैर से डॉक्टर को एक जोरदार किक मारता है। डॉक्टर दूर जाके गिरता है। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेब से गन निकाल लेता है। इसका मतलब मेरा डाउट एकदम सही था। आजकल आदमी अब मेहुल कमरे में अकेला है और उसका एक पैर इंजर्ड है। ऐसे में मेहुल खुद को कैसे बचाएगा? सोचे सोचे। मेहुल के बगल में ध्यान से देखिए एक चाकू रखा हुआ है। जैसे ही मेहुल चाकू उठाता है वो डॉक्टर फायरिंग करने लगता है। गोली सीधा जाके एक पाइनएप्पल पे लगती है और पाइनएप्पल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तब तक मेहुल चाकू लेकर बेड के दूसरे साइड पे छलांग लगा देता है। डॉक्टर एक के बाद एक फायर करने लगता है और फिर धीरे धीरे वो मेहुल की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक मेहुल बेड का सपोर्ट लेकर छलांग लगाता है और हवा में उड़ते हुए डॉक्टर के हाथ की तरफ चाकू मारता है। उधर डॉक्टर भी फायर कर देता है। चाकू सीधा जाकर डॉक्टर के हाथ पे लगता है और गन नीचे गिर जाती है और गोली मेहुल के बाजू से निकलकर दीवार पे लगती है। डॉक्टर का हाथ कट जाता है और बहुत सारा खून नीचे गिरने लगता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल डॉक्टर को पकड़ लेता है। डॉक्टर सच सच बताओ, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तब वो डॉक्टर बताता है कि उसे बिग डैडी ने भेजा है। इस समय बिग डैडी और जयकाल मिलकर सिडनी ओपेरा हाउस को ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। मेहुल उस डॉक्टर से बुलबुले साइंटिस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तुरंत उनको रोकना होगा। मेहुल उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले करके सिडनी ओपेरा हाउस की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल टिम और डेविड को भी इन्फॉर्म कर देता है। मेहुल सबसे पहले टैक्सी लेकर एक गन सप्लायर के पास जाता है। इस गन सप्लायर का एड्रेस मेहुल को डेविड ने दिया था। गन सप्लायर का गेट लॉक्ड था और अंदर जाने के लिए सही बटन पे प्रेस करना होगा। डोमिनोज के यहाँ पे अलग अलग 4 लोगो है, ABCD। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा लोगो असली है। उसी पे क्लिक करके अंदर जाया जा सकता है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी। ये वाला लोगो डोमिनोज का है। मेहुल ये वाली बटन प्रेस करता है और अंदर जाता है। अंदर जाते ही गन सप्लायर मेहुल को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। Who are you, man? I am Detective Mehul, David's friend. David का नाम सुनते ही गन सप्लायर अपनी गन हटा लेता है। एक टाइम पर डेविड इस गन सप्लायर को इंटरनेशनल गन सप्लाई करता था।
फिर वो मेहुल को एक स्पेशल चेंबर में लेके जाता है जहाँ पर अलग अलग तरह के गन रखे हुए थे। मशीन गन, स्नाइपर, पिस्टल, दुनिया की ऐसी कोई गन नहीं थी जो वहाँ पर नहीं रखी थी। लेकिन तभी अचानक मेहुल की नजर लास्ट में रखी हुई गन पर पड़ती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा में क्या बता सकते हैं मेहुल ने वहाँ पर ऐसा क्या देखा जिससे वो शॉक हो गया? सोचिए सोचिए। सबसे लास्ट में भूलभुलैया साइंटिस्ट की बनाई ब्लास्टिंग गन रखी हुई है। ये गन दुनिया में मेहुल के अलावा किसी के पास नहीं थी। इसका मतलब बिग डैडी और जयकाल भूलभुलैया साइंटिस्ट के नॉलेज को यूज कर रहे हैं। ये गन सप्लाई मुझे भूलभुलैया साइंटिस्ट तक पहुंचने में मदद कर सकता है। मेहुल सबसे लास्ट में रखी ब्लास्टिंग गन को उठाता है, लेकिन वो गन सप्लायर मेहुल से कहता है कि वो बहुत ही स्पेशल गन है। मेहुल गन पॉइंट पे उसे पकड़ लेता है। ब्रो, मुझे इस गन के बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मेहुल उससे ब्लास्टिंग गन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि इंडिया से कोई साइंटिस्ट यहाँ पे आया है जो लुका के लिए गन बना रहा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि गन सप्लायर भूलभुलैया साइंटिस्ट की बात कर रहा है। मुझे लुका के पास ले चलो और अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। गन सप्लायर मेहुल को लुका के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। गन सप्लायर मेहुल को अपने साथ लेकर लुका के एड्रेस पे पहुंच जाता है। बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो मेहुल की तलाशी लेते हैं। बॉडीगार्ड को मेहुल के पास कुछ भी नहीं मिलता जबकि मेहुल ब्लास्टिंग गन अपने साथ लेकर आया था। मेहुल ने अपने पट्टी के नीचे ब्लास्टिंग गन को हाइड कर लिया था। मेहुल और गन सप्लायर लुका के पास पहुंच जाते हैं। लुका देखने में बहुत ही डेंजर था, वो हमेशा काला चश्मा पहनता है और चोटी रखता है। लुका बिग डैडी का राइट हैंड है और अभी तक लुका टोटल 21 मर्डर कर चुका है। लुका मेहुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मेहुल फिर आगे बढ़कर लुका से हाथ मिलाता है और मौका मिलते ही अपनी ब्लास्टिंग गन निकालकर लुका को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। I will kill you. I like your attitude. लेकिन लुका भाई, अभी मुझे भूलभुलैया साइंटिस्ट के पास ले चलो वरना खोपड़ी में गोली मार दूंगा। मेहुल गन पॉइंट पे लुका से उसके सारे लोगों को गन फेंकने के लिए बोलता है। इसके बाद लुका मेहुल को भूलभुलैया साइंटिस्ट के पास लेके जाता है। उस वक्त भूलभुलैया साइंटिस्ट लुका के लिए मैंगो बम्स बना रहा था। भूलभुलैया साइंटिस्ट, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? भूलभुलैया साइंटिस्ट के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेहुल पीछे से लुका को एक लात मारता है और साइंटिस्ट के बारे में पूछता है तो लुका बताता है कि उसने साइंटिस्ट को एक इंजेक्शन देकर सब कुछ भुला दिया है। मेहुल तुरंत टीम को कॉल करके अपने लोकेशन पे हेलीकॉप्टर लाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद टीम हेलीकॉप्टर लेके मेहुल के पास पहुंच जाता है। टीम ऊपर से सीढ़ी वाली रस्सी फेंक देता है और मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट को क्लोरोफॉर्म देकर वहां से निकल जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट की याददाश्त वापस लेके आ पाएगा? क्या वो ओपेरा हाउस को बचा पाएगा? और क्या वो बैंकॉक के डिटेक्टिव को बचा पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।